ओ सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिकुटी तानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भूमि हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में ओ, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कुबलड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उन्होंने महज 23 साल की उम्र में ही अंग्रेज साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रणक्षेत्र में वीरगति प्राप्त की, लेकिन जीते जी अंग्रेजों को चैन से झांसी पर शासन नहीं करने दिया। रानी लक्ष्मीबाई अकेली होने के कारण अपनी झांसी को नहीं बचा पाई, लेकिन देश को बचाने की बुनियाद खड़ी कर गई। निडरता का पाठ पढ़ा गई, अमृतत्व की राह दिखा गई। झांसी की रानी का किला आज भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उनकी वीरता की याद दिलाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की उनके जीवन पर लिखी कविता से अच्छी शोर गाथा शायद इस वीरांगना की नहीं हो सकती। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के अस्सी घाट में हुआ था। इनके पिता मोरपंथ तांबे और माता भागीरथी बाई ने प्यार से इनका नाम मणिकर्णिका रखा था और इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। इनकी माता का देहांत हो गया और चूंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं था और इनके पिता मोरपंथ तांबे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे, इसलिए मनु को बिठुर ले आए। दरबार में मनु ने सबका मन मोह लिया और यहीं दरबार में जो बालक थे उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक आया करते थे, उन्हीं से ही मनु ने शिक्षा ग्रहण की और अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। ओ कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी। परछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं ओ, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। उबलड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले। समय बीता और मनु का विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया और इन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। इस प्रकार काशी की कन्या झांसी की लक्ष्मीबाई बनी। शादी के पश्चात इन्हें पर्दे में रहना पड़ता था। स्वतंत्र विचारों वाली लक्ष्मीबाई को यह रास नहीं आया। इन्होंने किले में ही महिलाओं के लिए व्यायामशाला बनवाई, सेना में महिलाओं को शामिल किया, जिससे गंगाधर राव खुश हुए। झांसी की खुशी को चार चांद जब लगे तब उन्हें 1851 में एक पुत्र दामोदर राव की प्राप्ति हुई, परंतु इस खुशी को ग्रहण लग गया और जन्म के चार महीने के पश्चात ही दामोदर राव का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था। तब राजा को सलाह दी गई कि एक पुत्र को गोद ले लिया जाए, तो इन्होंने अपने चचेरे भाई से एक बच्चे आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। दामोदर राव को गोद लेने के दो दिन पश्चात ही 21 नवंबर 1853 को राजा की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को राजा बनाकर उसकी संरक्षिका के तौर पर शासन करना उचित समझा, पर यह वो दौर था जब डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत के राज्यों का अधिग्रहण कर रहा था। नागपुर सतारा तंजावुर जैसे राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया था।
डलहौजी ने दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया क्योंकि वह महाराजा और रानी का दत्तक पुत्र था और 13 मार्च 1854 को झांसी की रानी को पत्र भेजा और उसमें मेजर एलिस को शासन की जिम्मेदारी झांसी की सौंप दी गई और रानी को ये कहा गया कि उन्हें 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन मिलेगी और तत्काल महल छोड़ना होगा। इस पर रानी ने कहा, मेरा झांसी दाऊंगी नहीं। ओ बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, ओ अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए झांसी की रानी ने ऑस्ट्रेलियाई वकील जॉन नेक से सलाह मांगी और अंग्रेजों के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि बातचीत से मामला नहीं सुलझ पाएगा तो उन्होंने बाड़मेर के राजा मर्दान सिंह को पत्र लिखा और लिखा, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, गुलामी में रहना उचित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने किले पर तोपें रखवाई, आयुध सामग्री बढ़वा दी, मजबूत किलेबंदी की। ये वो दौर था जब 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। इसके कुछ समय पश्चात ही रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना के कमांडिंग अफसर सर जनरल हीरोज ने रानी से यह अपील की कि वो आत्मसमर्पण कर दे और अगर रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो शहर नष्ट हो जाएगा। इस पर रानी लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और घोषणा की कि हम आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी की। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन के दोस्त तात्या टोपे के पास अपील भेजी। तात्या टोपे ने भी 20,000 से अधिक सैनिक रानी की सहायता के लिए भेजे और झांसी अंग्रेज छोड़ा नहीं पाए। अंग्रेजों को ये लग चुका था कि वो बल के बदौलत किले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया और 8 दिन के पश्चात उन्होंने रिश्वत देकर एक सैन्य अधिकारी के माध्यम से किले में प्रवेश किया। किले के अंदर भयंकर युद्ध हुआ, झांसी की रानी के हाथों से किला निकल गया। झांसी खोने के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी ने उन्हें सलाह दी कि वो कालपी पहुँचे जहाँ राव ने उनका सहयोग किया, परंतु शीघ्र ही 22 मई 1858 को ब्रिटिश सेना कालपी पहुंच गई और कालपी पर हमला किया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की पराजय हुई और इनका घोड़ा भी मारा गया। अब रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिल गई थी और ये तीनों इस बात की योजना बना चुके थे कि अंग्रेजों के सहयोगी सिंधिया जो ग्वालियर का शासक है वहाँ अधिकार किया जाएगा, क्योंकि उस किले का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था और उस पर विजय पाना इतना संभव नहीं था। जैसे ही ये तीनों अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुँचे तो विद्रोही बलों ने बिना किसी विरोध का सामना किए शहर पर कब्जा दे दिया। इसी दौरान नाना साहब को मराठा प्रभुत्व का पेशवा और राव साहब को अपना गवर्नर घोषित किया गया। 16 जून 1858 को हीरोज यहाँ भी पहुँचा और ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 17 जून को फूलबाग के पास कोटा की सराय और मोरार में भी रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़त हुई और दोनों ही युद्धों में रानी लक्ष्मीबाई की पराजय हुई। 18 जून 1858, 23 वर्ष की बाली अवस्था, घोड़े पर सवार, पीछे चादर से इनका पुत्र बंधा हुआ दामोदर राव, घोड़े की कमान दांतों में बंधी, दोनों हाथों में तलवार लिए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के साथ भिड़ गई और ब्रिटिश सेना को नाको चने चबाए, परंतु रानी लक्ष्मीबाई के पास
अब उतनी सेना नहीं बची थी और वो युद्ध में अकेली भी पड़ गई थी। आगे नाला गया, इनका घोड़ा नाला क्रॉस नहीं कर पाया और धोखे से एक अंग्रेज ने प्रहार किया, इनके सर का आधा हिस्सा कट गया और एक अंग्रेज ने इनके सीने पर प्रहार किया और रानी लक्ष्मीबाई जमीन पर गिर पड़ी। इनके सहयोगी रामराव देशमुख और गुल मोहम्मद ने इन्हें पास में ही बाबा गंगाधर राव की कुटिया में पहुंचाया। यहीं रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। हीरोज ने इनकी वीरगति पर टिप्पणी की है, कहा है कि उनकी सुंदरता, चतुराई और दृढ़ता उल्लेखनीय है। वह सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक थी, सबसे बेहतर थी और सबसे बहादुर थी। ओ रानी बड़ी काल पी आई, कर सौ मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर्वधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया हो, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मुंद्रा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया हो, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी हो, घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई मन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, ओ दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।